वर्तमान वल्लभ पंजाब मारतंड शासन दिवाकर कल्याणक तीर्थो द्वारक शांति दूत वर्तमान गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब का 65वां जन्मदिन रायकोट में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। नित्यानंद जी महाराज साहिब के जन्मदिन के अवसर पर रायकोट के तलवंडी गेट में कुलचे और खीर का बहुत ही विशाल लंगर वास्तुपाल जैन, सतीश कुमार अग्रवाल और अन्य गणमान्यों द्वारा लगाया गया। नित्यानंद जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पीयूष मुनि जी महाराज साहिब की निष्ठा में कथा हुई और कई लोगों ने सामायिक की। इस मौके मुख्य अतिथि के तौर पर हल्का दाखा के MLA मनप्रीत सिंह अयाली एवं रायकोट के MLA हाकम सिंह ठेकेदार द्वारा नित्यानंद महाराज के जन्मदिन के अवसर पर रायकोट सेवा संघ को शुभकामना मंगल पत्र भेजा। इस लंगर में लुधियाना से उत्तरी महासभा के कुछ सदस्य जैसे संजीव जैन बबला, नरेंद्र जैन, मुकेश जैन और संजीव जैन पधारे और नित्यानंद जी महाराज के जन्मदिन पर बांटे गए लंगर की सेवा निभाई। इस अवसर पर श्री आत्मानंद जैन सभा रायकोट के सदस्य, SS जैन सभा के सदस्य, युवती मंडल, युवक मंडल और शहर के अन्य सदस्यों ने मिलकर श्रद्धा भावना से लंगर वितरित किया और नित्यानंद जी महाराज के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रायकोट से कैमरामैन सलमान की रिपोर्ट। बड़ी ही सफा से मनाया जा रहा है। किसी भी महापुरुष का जन्म महापुरुष के रूप में नहीं होता, वह अपने कार्य द्वारा महान बनता है। वह ऐसे कार्य कर जाता है जिससे जन जन खुल होता है। बेचारे कार्य प्रमित्र मंजू मसा जिन्होंने धर्मशालाएं बनाई, हॉस्पिटल बनाए, बहुत सी संस्थाएं धर्म से भिन्न हुई खेती जो मुरझाई हुई है वो लहर हो जाती है। क्योंकि जो कुछ गुरुवर ने किया उसे मर्जों में गाय तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही इंसान है। इंसान के जो काम आता है तड़पता है, दुखी को देखकर आंसू बहाता है, जो खुद गर्जी का बनता है उसे ये चिंता होती मुबारक दो दुनिया के लिए दुनिया में आता है। आचार्य जी ने राय को प्रभार कर बहुत सी हमारी मुश्किलों का हल किया। हमें ऐसा जन सेवा रायकोट की ओर से भी मैंने चरणों में नतमस्तक हूँ क्योंकि इस समय 40 किलोमीटर की पद यात्रा करके यहाँ पर भारी मैं किन किन लफ्जों से लोगों का आभार व्यक्त कर सू और जन सर्दी के अंदर स्वतंत्र की गर्मी के अंदर जो हमारे यहाँ पर भारी तो मैं लगा तो उनके चरणों में नतमस्तक होकर हुए उनका बाद हमारे ऊपर रहे यही प्रार्थना करते हैं। आपका जीवन के लिए है, आप हर दफा दिन दिन ही सेवा करने में करवाने में तत्पर रहते हैं। रायकोट में जब आप पधारे तो रामनाथ क्षेत्र यहाँ से कम 250 किलोमीटर है। आपसे प्रार्थना करी कि आप गुरुवार हमारे यहाँ समाधि स्थल पर झंडे की रस्म है, आप पधारिएगा। गुरुदेव ने शहर ही बोल दिया, चलो कोई बात नहीं हम देख लेते हैं। फिर मैंने प्रार्थना करी गुरुदेव पधारिए, तो गुरुदेव ने 40-40 किलोमीटर का प्रहार करके लगभग 6 दिन में रायकोट पधार कर ऐसा जैन सभा की बेनती को स्वीकार किया। हम
जैन समाज उनके इस पद यात्रा में सहयोगी हो बन सके, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ये अपराध किया कि वो अपनी इतनी ठंडी में यहाँ पधारे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आज उनके 65वें जन्मदिन पर मैं अपने समाज की ओर से, ऐसे जैन समाज की सभी संस्थाओं की ओर से उनके श्री चरणों में मैं पात्र हूँ और भगवान कैंसर नायक से प्रार्थना है कि उनका बरकत हमारे ऊपर बना रहे, ताकि इन शासन की इन शासन का गौरव और उड़ाते जाए। यही बात कहने के बाद सभी को धन्यवाद, जय हिंद।